Guys, welcome back to my channel. आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव के साथ आई हूँ कि जॉब इस टाइम पे जर्मनी में मिलना आसान है या नहीं या फिर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि जर्मनी का जॉब मार्केट इस टाइम पे कैसा है बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो शायद आपकी आंखें खोल दे कि इस टाइम पे आपको जर्मनी मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी वेल्थ well, जर्मनी जो है वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए फेमस है जो रिमोट वर्किंग है फोर डेज पॉलिसी वाली पर वीक में वो ज्यादा फेमस है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए वन ऑफ द अमेजिंग कंट्री है पीसफुल लाइफ है यहाँ पर क्वालिटी लाइफ है और आईटी स्पेशलिस्ट और टेक पर्सन है अगर आप डॉक्टर हैं नर्स हैं तो आपके लिए यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है जो हमने पहले बात करी थी पर अगर आप मुझसे अभी पूछो कि अभी की ग्राउंड रियालिटी क्या है जर्मनी की तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी मेरा नाम है सुरभि, मैं इस चैनल पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बनाती हूँ बेसिकली आपको हेल्प करती हूं अगर आपको मूव करना है जर्मनी तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे वीडियोज होते हैं तो फॉलो इंस्टाग्राम फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड लाइफ रील्स तो so, सबसे पहली बात कि क्या है सिचुएशन जर्मनी की तो so, अभी के केस में अगर मैं बात करूं तो लोग जो हैं वो जॉब लूज कर रहे हैं यस दिस इज द रियलिटी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है एनर्जी प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और जो कंपनीज हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं इस वजह से लोगों को जो है वो फायर करा जा रहा है या फिर लोगों की सैलरीज कम करी जा रही हैं या फिर जो हायरिंग है वो कंपनीज में फ्रीज हो गई है अगर मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो काफ़ी बार मेरे मुंह से भी आपने सुना होगा कि जर्मनी का एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लास्ट ईयर टू था जो कि अगर आज की हम बात करें तो इंक्रीज हो गया थ्री नंबर्स में भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो, जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं हैं या परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है ये डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है इंडियंस को इसलिए क्योंकि खतरा ऑफ कोर्स इंडियंस पे ज़्यादा है या जो लोग बाहर से यहाँ पर मूव कर रहे हैं उनको ज़्यादा है क्योंकि जो इंडियंस हैं वो जर्मन से 1300 हंड्रेड यूरो ज़्यादा कमाते हैं तो हाई सैलरी मतलब हाई रिस्क ऑफ कोर्स कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है तो जहाँ पर सैलरीज जिन लोगों की ज़्यादा होगी वो फायर होने की भी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे ये मैं आपको ग्रैंड रियलिटी बता रही हूँ इसलिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं इंडियंस इन म्यूनिक या इंडियंस इन जर्मनी जिसमें आए दिन आपको ऐसे पोस्ट दिखते रहेंगे जहाँ लोगों की जॉब्स जा रही है एंड दे आर आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन कि क्या बेटर सोल्यूशन है या जॉब मिलने के चांसेस हैं या नहीं है या वॉट नेक्स्ट एंड दिस इज़ द रियलिटी कि इंडियंस को खतरा है इस टाइम पे जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो अगर हम बात करें अब जो लोग नए आना चाहते हैं या इंडिया से मूव करना चाहते हैं या और किसी कंट्री से मूव करना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश या यूरोपियन यूनियन के बाहर तो उनके लिए क्या चांसेस हैं क्या नई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो मैं आपको एक बहुत ही शार्प शब्दों में बता देती हूँ अभी जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 है ये बहुत ज़्यादा गंदा जा रहा है दैट मीन्स कि जॉब ज़्यादा नहीं हैं अफकोर्स कुछ कंपनीज क्लेम कर रही है कि हमारे पास 20% परसेंट ज़्यादा जॉब्स हैं बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही हैं और वो लोगों को जॉब्स या तो नहीं दे रही हैं या जो लोगों उनको रिस्की लग रहे हैं हाई सैलरीज पर हैं उनको वो बाहर निकाल रही है बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने अपने फ्रेंड्स और जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके मुँह से भी सुना उनके साथ भी ऐसा सच अनसर्टेनिटी हुई जो कि यहाँ पर हम लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा बिकॉज आई ऑलवेज से दैट कि यहाँ पर जॉब जो है आप लूज करोगे दैट इज द लास्ट थिंग यहाँ पर जो है वो कंपनीज लास्ट स्टेप लेती है आपको निकालने की बट ऑफकोर्स आप कंपनी ही नहीं परफॉर्म कर रही है तो क्या किया जाए बट द गुड न्यूज इज एज पर फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इतनी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या लोग उन्हें चाहिए 400,000 जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर जर्मनी के पास हैं जिसमें लोग नहीं हैं द अदर गुड न्यूज़ इज़ कुछ कंपनीज इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 20% परसेंट ज़्यादा हायरिंग कर रही है ऐसी कंपनीज जहाँ जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टैलेंट को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देती है यहाँ पर वो कंपनीज जैसे बी हो गया सीमेंस हो गया न एडिडास अगर आप फैशन में जाना चाहते हैं पूमा हो गया ये सारी कंपनीज इवन बॉश हो गया इन दैट केस ये सारी कंपनीज अभी भी जो है वो लोगों को हायर कर रही है वो भी इंटरनेशनल लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो कुछ ही प्रोफेशंस में बन रही है और कुछ कंपनीज हायर कर रही है तो अगर आप अभी भी मूव करना चाहते हैं तो आप इन पे टारगेट करो रेदर देन हर जगह तो अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की आईटी स्पेशलिस्ट की बात करूं क्राफ्ट पीपल की बात करूं कंस्ट्रक्शन एरिया की बात करूं नर्सिंग या फिर केयर वर्कर्स की बात करूं ऑफिशियल वेबसाइट जो है मेक इट इन जर्मनी में देखोगे तो इन में अभी भी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है इवन जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ की जो एजेंसी है उसमें भी आप देखोगे तो इन फील्ड्स में जो है वो रिक्वायरमेंट है यहां पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि मैक्सिमम जो भी मैंने आपको फील्ड्स बताए उसमें जर्मन रिक्वायरमेंट है अदर देन आईटी स्पेशलिस्ट तो मैं फॉर सम टाइम या दिस केस के लिए मैं अपने आप को या फिर इंडियंस को या फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको इस अपॉर्चुनिटी से बाहर निकालती हूँ क्योंकि आपको इन सब एरियाज में प्रोफेशनल लेवल की जर्मन ज़रूरी होगी तभी आपको जॉब्स मिलेगी तो मैं आपको यहाँ पर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहती हूँ बट अगर हम आईटी स्पेशलिस्ट और टेक फील्ड की बात करें तो आज भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए जो है वो बन रही है या फिर टीचर्स की बात हो गई सोशल वर्कर्स एरियाज हो गए ट्रेन के ड्राइवर्स हो गए बस के ड्राइवर्स हो गए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए इन सब की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पर सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल ऑफ जर्मन की ज़रूरत है इंग्लिश आपको नहीं आती तो भी चलेगा पर जर्मन आना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और और अगर आपने जर्मन सीख ली है तो यह आपके लिए काफी अच्छा चांस है और अगर आप इन सब फील्ड में हो बट अगर आप स्पेसिफिक एरियाज़ में स्पेसिफिक फील्ड में हो सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू मे बी आपको वेट करना पड़ेगा कब तक वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ तो वर्स के लिए रेडी होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको जर्मन सीख लेना चाहिए अगर आप एनी ऑफ दिस प्रोफेशन पे हो जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है वो आपको और ज़्यादा डिटेल्स देगी कि आप कैसे यहाँ पर जॉब पा सकते हैं या फिर जॉब वैकेंसी कौन कौन सी यहाँ पर है वेल नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पर भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोज होते हैं और यहाँ तो आप देख ही रहे अब हम बात करते हैं वो लोग जो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आ रहे हैं फॉर फ्री इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको स्टडी रिलेटेड जर्मनी के वीडियोज़ देखने हैं तो मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट करके रखी है आई बटन पर आ रहा होगा तो प्लीज़ चेकआउट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर तो अगर स्टडी इन जर्मनी फॉर फ्री आ रहे हो पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वेयर एवर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी या अभी क्या हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू फाइंड द इंटर्नशिप जो लोग अभी अभी पास आउट हुए हैं उनको जॉब मिलने में अभी मुश्किल आ रही है कोर्स क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है बट सबसे अच्छी बात या गुड न्यूज़ ये है कि कंपनीज जो हैं जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पर उसमें कुछ फिक्स पोजीशंस होती हैं यंग टैलेंट के लिए यंग प्रोफेशंस के लिए अगर आप अभी पास आउट हुए हो और इंटर्नशिप्स के लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हाउ इंटर्नशिप्स उन इंटर्नशिप्स को पकड़ो अच्छा परफॉर्म करो और उस कंपनी में जो है वो जॉब स्टार्ट कर दो दिस इज़ द बेस्ट वे और यू शुड वेट फॉर 2025. अब अगर आपका कोर्स अभी से स्टार्ट हुआ है तो कोर्स एक साल या दो साल का होगा तब तक मार्केट अच्छा हो जाएगा तो थिंग्स विल बी बेटर वाय दैन तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी भी न्यूज़ है और बेकार भी न्यूज़ है वेर आज अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो पार्ट टाइम जॉब मिलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बट अगर आप अपने प्रोफेशन मतलब अपना जो भी कोर्स है मास्टर्स या बैचलर उसके बाद जो आप ढूंढो रहे होगे अभी तो आई एम श्योर कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में तो मैंने आपको बहुत सारे फिगर्स बताए पैरामीटर्स uh, पे आपसे कंपेयर किया बट स्टिल आप कुछ जॉब्स अप्लाई कर सकते हो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगाओ कुछ कंपनीज जो क्लेम करती हैं कि हमारे पास ज़्यादा जॉब्स हैं इस टाइम पे, उनमें अप्लाई करो और मेक इट इन जर्मनी वेबसाइट जो है उसको चेकआउट करते रहा करो और रेलिवेंट पोजिशंस को जो है वो अप्लाई करो प्लस लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो अगर आप सीरियसली मूव करना चाहते हो और अगर आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है तो ये बहुत ही आसान कर देगा आपको मूव करने के लिए बट वो कंपनीज़ के नाम जो अभी आपको हायर कर सकती हैं वो हैं बी एम डब्ल्यू एलियांस फॉक्स वैगन का हेड क्वार्टर जो है वो म्यूनिक में है और अगर आप म्यूनिक में घूमोगे तो हर जगह बी से रिलेटेड ही यहाँ पर जॉब है तो उनका एम्पायर है यहाँ पर फॉक्स ग्रुप जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अभी दे रहा है बॉश जो है वो भी यहीं की कंपनी है एंड काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं उनके पास एलियांस मैंने आपको ऑलरेडी बताया देन अदर टू कंपनीज जो कि फैशन फील्ड में हैं एडिडास एंड पूमा जो कि म्यूनिक के पास में ही है एक हेड यहाँ पर हेड क्वार्टर है यहाँ पर भी आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो दो बेस्ट थिंग इज ये कंपनीज जो हैं वो यंग टैलेंट को या इंटरनेशनल टैलेंट को जो है वो भी वेलकम करती है तो इन कंपनीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हो वेल इफ़ यू इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हाँ और अगर आपकी स्पेसिफिक प्रोफेशन है तो वो ज़रूर कमेंट करना किसी भी प्रोफेशन से हो नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ होंगे वो मुझे हेल्प करेंगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड सी यू सून एंड सब्सक्राइब प्लीज एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो प्लीज़ बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर